आज हम एक ऐसी रेसिपी बनाने वाले हैं जिसे खाकर बच्चे बहुत खुश रहते हैं। गोभी ले ली है, कैरेट ले ली है, पनीर लिया है और ये एक ग्रीन चिली और थोड़ा सा हरा धनिया। फ्रेंड्स, ये हम इन्हें पहले अच्छे से वॉश कर लेंगे और कट करेंगे, उसके बाद मिलते हैं थोड़ी देर बाद। फ्रेंड्स देखिए, ये हमने पत्ता गोभी और कैरेट को बारीक बारीक काट लिया है। आप इसे चॉपर से भी काट सकते हैं और वरना तो आप इसे चाकू से भी काट सकते हैं, चाकू की मदद से। तो फ्रेंड्स, अभी इसमें हम सॉल्ट और ब्लैक पेपर डाल के रखेंगे ताकि इसका पानी पूरा स्क्वीज हो जाए। फ्रेंड्स, ये इसमें मैं हाफ स्पून सॉल्ट डाल रही हूँ, ये देखिए, और ये 1/4 काली मिर्च। अब हम इसको अच्छे से चला देंगे और अब इसे हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि इसका पानी पूरा निकल जाए और हमारे मोमोज फटे नहीं। फ्रेंड्स, जितने हमारी वेजिटेबल में से पानी निकल रहा है इतने हम जो है मोमोज का डो तैयार कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी छोटी कटोरी है, ये इनको नाप कर हम 4 कटोरी जो है मैदा ले लेंगे। फ्रेंड्स, ये हमने 4 कटोरी मैदा ले लिया है और उसमें हम देखिए उसी नाप के हिसाब से आटा लेना है। इसमें हम 1 स्पून विनेगर डालेंगे, इससे ये बहुत अच्छा एक्टिवेट हो जाएगा और हमारा डो बहुत अच्छा बनेगा। फ्रेंड्स, पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे विनेगर को आटा और मैदा के साथ। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक स्मूथ सा डो तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए जो हमारा मैदा का डो है ये तैयार हो गया है। अब मैं आपको एक टिप देती हूँ। फ्रेंड्स, जैसे आपको पता ही होगा, अगर हम आटा या मैदा जब भी मलते हैं उसके अंदर अगर हम तेल डालते हैं या रिफाइंड डालते हैं तो वो खस्ता होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर हम इसको रिफाइंड को नीचे रख के और जब हम इसको डो को उसमें करते हैं तो ये फिर बहुत ही अच्छा चिकना और सॉफ्ट डो तैयार हो जाता है। देखिए कैसे। फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा डो तैयार हो गया है, इसको हम अपने प्लेटफॉर्म पर रख लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर जैसे हम मैदा या आटा तब भी मलते हैं और उसके अंदर हम रिफाइंड डालते हैं तो उससे वो खस्ता होती है, और लेकिन अगर हम मलने के बाद और बाहर उसको डालते हैं और फिर इसको उसमें खूब अच्छे से स्ट्रेच करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा डो में चिकनापन आ जाता है। तो आज की ये टिप है, अगर आप उसमें रिफाइंड मिलाते हैं आटे में या मैदा में तो वो खस्ता होती है और ऐसे चिकनापन लेती है। ये देखिए, इसको अच्छे से हम खूब स्ट्रेच कर करके मल लेंगे। और फ्रेंड्स देखिए, इस आटे की जो मैदा की कंसिस्टेंसी, आटे और मैदे की, ये इस तरीके की है। ये देखिए, ये बिल्कुल पराठों जैसा हमने मला है। ये देखिए, अब इसको मैं अच्छे से खूब प्लेटफॉर्म पे चिकना करके आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा डो तैयार हो गया है। ये देखिए कितना अच्छे से स्मूथ डो तैयार हो गया है। ये देखिए बिल्कुल एकदम अपने आप ही, देखिए कितना प्यारा। अब इसको एक हम मसलिन क्लॉथ से ढककर थोड़ी देर के लिए रख देंगे। ये देखिए आप, मैं इसको ढक के रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। ये देखिए कितना चिकना डो है। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम ऐसे कवर करके रख देंगे। फ्रेंड्स, इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। अब मैं आपको फिलिंग के बारे में बताती हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारी पत्ता गोभी और कैरेट, इसमें हमने सॉल्ट और काली मिर्च डाल के रख दी थी। ये देखिए अब इसने काफ़ी हद तक पानी छोड़ दिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम इसे निचोड़ेंगे। ये देखिए कि अब हम इसे इस तरीके से निचोड़ेंगे। देखिए, हमें इस तरीके से निचोड़ना है कि इसका बिल्कुल पूरा पानी भी ना निकले और इसमें पानी ज़्यादा ना भी रहे। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये कोरिएंडर चॉप करके रख लिया है। हम इसमें कोरिएंडर ऐड कर देंगे। ये देखिए, और ये देखिए मैंने इसमें 1 ग्रीन चिली चॉप करके रख दी थी, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं चिली,
पर मैं बच्चों की वजह से बना रही हूँ तो इसलिए मैं ज़्यादा ऐड नहीं कर रही हूँ। फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ऐसे, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी वेजिटेबल है। अब इसमें हम ये पनीर और ऐड करेंगे। ये मैंने क्वांटिटी में अगर बात की जाए तो 200 ग्राम पनीर लिया है। ये देखिए, ये देखिए, अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें ये 1 स्पून शेजवान सॉस डालेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून ऑफ मेयोनीज। ये देखिए 1 स्पून मेयोनीज इसमें ये जाएगी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। अब ये हमारी जो है फिलिंग मोमोज की, कुरकुरे मोमोज की, रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। अब मैं मोमोज को जो डिप जिसमें हम करेंगे वो एक स्लैरी और बना के बताती हूँ, फिर उसके बाद हम मोमोज को बेल कर दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमने एक बाउल ले लिया है। मैं आपको स्लैरी बनाना बताती हूँ, जो कुरकुरे मोमोज की सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ये देखिए, ये मैं 1, 2 and 3 टेबल स्पून मैदा ले लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मोमोज जो थोड़े चटपटे होते हैं तो इसलिए हमने 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर ले लिया है। ये देखिए, और फ्रेंड्स मैंने इसमें 1/4 टी सॉल्ट ले लिया है। अब इसकी हम पानी डाल के पतली सी स्लैरी बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, पहले हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, फिर एक हम इसमें स्लैरी तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए फ्रेंड्स, इसको अच्छे से चलाएंगे ताकि लम्स ना आए इसके अंदर बिल्कुल भी। ये देखिए इस तरीके से ये हमारी स्लैरी बनके तैयार हो जाएगी। फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसका यूज़ हम मोमोज में कैसे करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी स्लैरी बनके तैयार हो गई है। ये देखिए, ये इस तरीके की होनी चाहिए, बिल्कुल लिक्विडी फॉर्म में। ये देखिए अब फ्रेंड्स, ये कुरकुरे मोमोज का मेन इंग्रेडिएंट है। ये देखिए, ये कॉर्नफ्लेक्स है, ये प्लेन वाला कॉर्नफ्लेक्स है। फ्रेंड्स प्लेन वाला ही कॉर्नफ्लेक्स लेना आप, कोई भी फ्लेवर वाला मत लेना। फ्रेंड्स इस कॉर्नफ्लेक्स को हल्का सा हम हाथ से क्रश कर लेंगे, ये इस तरीके से। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमने डो ढककर रख दिया था, ये मैं आपको दिखाती हूँ अब कैसा हो गया है। ये देखिए, ये हमने क्लोथ से अच्छे से ढक दिया था। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम हल्का सा हाथ से ऑयल ले लेंगे और इसको अच्छे से एक बार डो को प्रिपेयर कर देंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये बिल्कुल सॉफ्ट सा डो बन के रेडी हो चुका है हमारा। ये देखिए, हमारा सॉफ्ट सा डो बन के रेडी हो चुका है। ये देखिए, ये देखिए, अब हम थोड़ी सी जो है डस्ट के लिए मैदा ले लेंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमें हल्की हल्की यूज़ करनी है फ्रेंड्स। अब हम इसके डो को दो तरीके से बना सकते हैं, या तो आप इसे रोल करके लंबा कर लीजिए और कट कर लीजिए, या फिर आप बड़ी सी रोटी बेलकर छोटी छोटी कटोरियों से कट कर लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं ये थोड़ा सा आटा डस्ट कर लिया है यहाँ पर। ये देखिए, अब इसको हम पहले ऐसे करके अच्छे से लंबा रोल कर लेंगे तैयार, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे कट करना है हमें। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने मैदा और आटे का जो डो था उसको इस तरीके से लंबा बेल लिया है। वैसे तो फ्रेंड्स मोमोज वाले जो बेलन का यूज़ करते हैं वो अलग तरीके का होता है, पर ये हम घर के बेलन से भी कर सकते हैं। और ये तो मैंने हाथ से ही रोल कर करके किया है, अभी मैं आपको बताऊँगी कैसे इसको बेलते और काटते हैं। ये देखिए, ये देखिए, हम इस तरीके से ये छोटी छोटी लोइयां काट लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए फ्रेंड्स, हम एक ही साइज की ये सब लोइयां काट के तैयार कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने लोई बनाकर तैयार कर ली है। ये देखिए सभी, हम इनको गोल गोल कर लेते हैं। ये देखिए, अब मैं आपको इनको बेलना बताती हूँ फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आटा मैदा डस्ट कर लेते हैं, आटा भी कर सकते हैं आप। ये देखिए इस तरीके से,
और ये हम अपनी लोई रख लेंगे, ये देखिए। और अब हम इसे बेल लेंगे, ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके से हम बेल लेंगे, ये देखिए। हम ऐसे ये लोई बेल बेल के यहाँ पे इकट्ठी कर लेते हैं पहले। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सब लोइयाँ बेल कर तैयार कर ली हैं। फिर अब हम इन्हें थोड़ा सा कॉटन के कपड़े से ढककर रख देंगे, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से हम ढककर रख देंगे। अब हम पहले एक लोई निकालेंगे, ये देखिए इस तरीके से ये लोई हमने बाहर निकाल ली है। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे ताकि ये गोल रहे, ये देखिए फ्रेंड्स। मैं आपको अब ये भरना बताती हूँ, मोमोज हम कैसे भरेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 1 स्पून फिलिंग ले लिया है। अब देखिए, पहले हम सबसे पहले ये बीच वाला एजेस बंद करेंगे, ये देखिए इस तरीके से ये हमने बंद कर दिया है। उसके बाद हम इधर से उठाएंगे, ये इस तरीके से, और ये इस तरीके से हम इसको पैक कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से इसको घुमाना है। आप जो ये ऊपर एक्स्ट्रा मैदा का डो आ गया है, इसको ऐसे हटा सकते हैं और फिर इसको ऐसे पैक कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, एक तरीका ये है, हम ऐसे बना सकते हैं इसको। मैं अब आपको दूसरा तरीका दिखा, फ्रेंड्स मैंने अब आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। देखिए इस तरीके से भी बना सकते हैं और इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं, इन्हें हमने भर लिया है। अब मैं आपको देखिए, ये देखिए आप ये गोल भी बना सकते हैं और इस तरीके के भी बना सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ ये स्लैरी में किस तरीके से डिप करने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हम मोमोज उठा लेते हैं, इसको हम इस तरीके से स्लैरी में डिप करेंगे, जो ये हमने स्लैरी बना के रखी है, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए। या आप स्पून की मदद से भी कर सकते हैं। फिर हम इसे कॉर्नफ्लेक्स पे डालेंगे, ये देखिए हम इस तरीके से इसके ऊपर कॉर्नफ्लेक्स स्प्रेड कर देंगे, ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से चिपक जाएंगे, ये देखिए। मैं आपको एक और करके दिखा देती हूँ, ये देखिए ये हमने लिया एक मोमो, इसको हमने स्लैरी में डाला इस तरीके से, ये देखिए, ये देखिए ये। और अब इसको हम कॉर्नफ्लेक्स में डाल देते हैं, ये देखिए इस तरीके से। इसको बहुत सॉफ्ट हाथ से घुमाएंगे हम, क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा तेज़ हाथों से घुमाएंगे तो ये शेप इसकी ख़राब हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा पीछे से भी हो चुका है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। मैं आपको दिखा देती हूँ ये कितने अच्छे से इसमें रैप हो गया है। अब मैं आपको फ्राई करना बताती हूँ कैसे फ्राई करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे ही रखना है। ये देखिए इस तरीके की छन्नी ले लीजिए, सभी के घर में होती है फ्रेंड्स, इससे थोड़ी सी आसानी रहती है। हम इसको यूँ तेल में डिप कर देते हैं और इसमें जो हमने ये मोमो करके रखे थे ये हम इसमें छोड़ देते हैं, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से। और फ्रेंड्स इसको इसी में पकने देते हैं, जो थोड़ा 2-4 अगर कॉर्नफ्लेक्स के हट जाते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, जो हमने इसमें चिपकाए हैं वो अच्छे से चिपक गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब ये थोड़े से पक चुके हैं, अब इनको हम बहुत ही हल्के हाथ से इसमें से निकाल कर तेल में डिप कर देंगे, ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से। ये अब हमारे और अच्छे से सिक जाएंगे और रेडी हो जाएंगे। फ्रेंड्स हमें इन्हें ज़्यादा छेड़ना नहीं है, बहुत हल्के हाथ से ही इनको छेड़ सेकना है हमें, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए फ्रेंड्स ये अच्छे से सिक जाएंगे। इनको हमें एक दो बार बहुत ही हल्के हाथ से अलटना पलटना है। देखिए मैं आपको अब एक डिप बनाना बताती हूँ जो हम मोमोज के साथ खाते हैं, ये देखिए ये हम इसमें, वन ये 2 स्पून हम मेयोनीज ले लेते हैं,
ये देखिए फ्रेंड्स, 1 स्पून हम इसमें सेजवान सॉस ले लेते हैं, ये हम इसमें डाल देंगे। हम इसे अच्छे से पहले चला लेंगे। ये देखिए हमारी तैयार हो गई है। अब इसमें हम थोड़ा सा कोरिएंडर डालेंगे। ये देखिए, ये देखिए, हम इसको अच्छे से चला लेंगे। फ्रेंड्स, हम इसमें ना 1 स्पून, सिर्फ 1 स्पून विनेगर डालेंगे। ये देखिए, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए कितनी प्यारी डिप बनकर तैयार है। ये देखिए इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे मोमो सीखकर तैयार हो गए हैं। हम इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। पहले मैंने प्लेट में एक टिश्यू बिछा लिया है। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसे ब्रेक करके दिखाती हूँ। देखिए, इसकी आवाज़ से ही आपको पता चल रहा होगा कितना कुरकुरा बना है। ये देखिए, इसकी फिलिंग देखिए कितनी प्यारी है। ये देखिए,